सब्सक्राइब कीजिए बेसिक मेडिकल नॉलेज यूट्यूब चैनल को, साथ के साथ बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए सबसे पहले वीडियो की नोटिफिकेशन देखने के लिए। वेलकम टू दोस्तों माय यूट्यूब चैनल बेसिक मेडिकल नॉलेज। मैं चंद्र प्रकाश आज आपके सामने बताने जा रहा हूँ गैस एसिडिटी की बीमारी का क्या कारण है, इसके क्या क्या लक्षण हैं और इसका क्या इलाज है, इसकी कम्प्लीट डिटेल दूंगा। तो अधिकतर मरीज आते हैं सबसे कॉमन बीमारी कि पेट में अपर पार्ट में गैस एसिडिटी को लेकर आते हैं। गैस प्राय जो अपर पार्ट है पेट का उसमें होता है, वो जस्ट छाती के नीचे होता है, उसमें भारीपन और दर्द सा महसूस होने लगता है। पेट के ऊपर के भाग में एसिड रिफ्लक्स होके मुंह तक में आ जाता है, एसिडिटी होती है। ये अधिकतर रात में होता है खाना खाने के बाद, हैवी मील लेने के बाद। इसके सिम्टम बहुत तरह के होते हैं सबको, इसमें जैसे खट्टे डकारे आने हैं, इसमें पेट में जलन होती है, कई बार जैसे ऊपर उल्टियां डकारे आती है। इसमें इसका डायग्नोसिस वैसे करवाना चाहो तो एंडोस्कोपी से होता है, इसमें जैसे निचले भाग में स्वेलिंग हो जाती है पेट के निचले भाग में। इसका इलाज दो तरह से होता है, सबसे पहला इलाज कि हम ऐसी दवाई दी जाती है जिससे कि एसिड का सिक्रेशन कम हो जाता है, बंद हो जाता है। दूसरा इलाज कि इसमें एसिड का सिक्रेशन न्यूट्रलाइज किया जाता है, जो एसिड होता है बनता है उसको न्यूट्रलाइज कर दिया जाता है। इसके लिए लिक्विड दवाई होती है, उसको एंटा एसिड कहते हैं। और ये एंटा एसिड जैसे पेंटोप होती है, रेबेपराजोल होती है, और दूसरी जो एसिड सिक्रेशन को रोकती है उसको बीटा ब्लॉकर बोलते हैं, जैसे रेनिडिन। और इसमें सबसे इम्पोर्टेंट होता है खाने का ध्यान रखा जाता है, उनको ज़्यादा एसिडिक या मिर्च मसाले वाला वह फैटी फूड नहीं खाना चाहिए उनको। और इसमें सबसे इम्पोर्टेंट दूसरी बात होती है, आप जैसे खाना खाने के बाद तुरंत लेट जाते हो तो ये गैस का सबसे एसिडिटी का सबसे मेन कारण होता है। तो खाना खा के तुरंत लेटना नहीं है, कम से कम आपको 2 से 2.5 घंटे बाद लेटना है। ये अक्सर ये कंडीशन होती है रात को अपन खाने के बाद जैसे लेट जाते हैं, जैसे 10-15 मिनट बाद बिस्तर पर लेट जाते हैं, सबसे मेन कारण। और ये मोटे आदमियों में ओबेज लोगों में ज़्यादा अधिक होता है, या प्रेगनेंसी में फीमेल्स को ज़्यादा होता है गैस की प्रॉब्लम। इसके लिए रेगुलर एक्सरसाइज करते रहना, मोटापा नहीं होना, ज़्यादा मिर्च मसाले वाला खाना नहीं खाना, हरी फल सब्जी सलाद ज़्यादा खाए और कम खाए, सबसे इम्पोर्टेंट बात है। अब जितना भूख लगी उसकी 3/4 या आधा ही खाए, खाने के बाद तुरंत पानी ना पिए, और मीठा और फैटी चीज़ें कम खाए, इससे मोटापे भी नहीं होगा और रिफ्लेक्स भी कम आएंगे। दोस्तों इसके लिए प्रमुखली 2 टेबलेट होती है, वो मैं आपको अपने फोटो में दिखा देता हूँ डिस्प्ले पे, वो आप देख सकते हो। और सेकंड चीज़ है, इनको खाली पेट लिया जाता है सुबह, ज़्यादा प्रॉब्लम तो सुबह शाम दोनों टाइम रखते हो खाली पेट। इसके टेबलेट लेने के आधे घंटे तक कुछ नहीं खाना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।